सिर्फ कैमरा ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ पे। धीमी आवाज में बात कीजिए आप लोग। I don't want any shouting now. I want the photographers to be silent. समझ में आ गया आपके? हमारे देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, देशभक्तों ने अपने जान की कुर्बानी दी है, तब जाकर इस आजादी को हम आज खुशी खुशी देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को हमारे देश में आजादी की असली कीमत का पता ही नहीं है। उस दौर में अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले जितने भी लोग थे वो बहुत ही खुशहाल थे। बहुत सारे लोगों को महान भी बनाकर पेश किया जाता है हमारे सामने। उस दौर में डिजिटल युग होता तो यकीनन ये जितने भी महान लोग हैं इनकी महानता सब कुछ दिखलाई पड़ जाती। इसी में एक थे नसीरुद्दीन शाह के दादा, जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और इस बात को खुद नसीरुद्दीन शाह ने अपनी बायोग्राफी में कहा है। ये हम भी नहीं कह रहे, खुद नसीरुद्दीन शाह कह रहे। वो नसीरुद्दीन शाह जिन्हें इस देश में डर लगता है, जिन्हें मोदी सरकार से डर लगता है, वो जो सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान को जमकर कोसते हैं, गालियां देते हैं, डरपोक बताते हैं कि ये लोग मोदी जी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कहते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह के दादा थे सैयद मोहम्मद शाह, जो कि अफगानिस्तान से था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब देश के देशभक्त आजादी के लिए लड़ रहे थे, अंग्रेजों की गोलियां खा रहे थे, तो उस दौर में ये अंग्रेजी सेना में थे और इन्होंने जमकर गोलियां बरसाई थी अपने ही लोगों के ऊपर, हिंदुस्तानियों के ऊपर, और इससे खुश होकर अंग्रेजों ने इन्हें मेरठ में जागीरदारी दे दी थी, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से बहुत ही बहादुरी का काम किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश हुकूमत ने इनके दादा को नवाब जान फिशानी नाम की एक उपाधि भी दी थी। अब ये क्या थी पता नहीं, तेल लगाने गया। ऐसे चापलूसों के बारे में वीडियोस बना रहे हैं, वही काफी है। अब इनके दादाजी ने भारत इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि भारत में इनके पास जागीरदारी थी, सरकारी नौकरी थी, और वो सब कुछ छोड़कर इंडिया से नहीं जाना चाहते थे, और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे चापलूस जो हैं वो यहाँ पर रह गए। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पिताजी नसीरुद्दीन शाह के जो पिताजी थे वो भी अंग्रेजी सरकार में नायब तहसीलदार थे। सोचिए कि जिसके बाप दादा ही अंग्रेजों के गुलाम थे, तलवे चाटा करते थे, तो आप उस नसीरुद्दीन शाह से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये बात कहे कि भैया मुझे इंडिया में रहने से बहुत प्रेम है, इंडिया में डर नहीं लगता है, जबकि इसी इंडिया में रहकर इन भाई साहब ने पैसे कमाए, नाम कमाया, सब कुछ कमाया, लेकिन उसके बाद भी इन्हें इंडिया में डर लगता है।